हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरु माइंड द टैरो। और ये रीडिंग है आपके अगस्त के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Four of Swords, Five of Wands, Queen of Cups. Okay. Four of Swords है यहाँ पर। I think आपको feel हो रहा है कैंसर कि कोई आपको अकेले छोड़ गया है बहुत सारे promises करने के बाद। Two of Cups के साथ आपको इस person से एक बहुत deep connection feel हो रहा है। In fact आपका connection deep है। ये person भी आपसे deeply connected है और शायद आप इस रिलेशनशिप में बहुत लंबा वक्त बिता चुके हैं और अब वेट करने के बाद आपको ये नतीजा मिल रहा है इसका, यानी ये पर्सन आपको कंफ्यूज्ड छोड़कर जा रहा है। आपको नहीं पता कि आप अब इस सिचुएशन से कैसे डील करें। लेकिन कैंसर, आई थिंक आपके अंदर अभी भी ताकत बाकी है। आप चाहे जितना भी लो फील कर रहे हो, जितना भी ब्रोकन फील कर रहे हो, जितना भी टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, फिर भी आपके अंदर का ये फाइटर जिंदा है। यानी आपके पास स्ट्रेंथ है, आप स्ट्रांग हैं, आप लड़ सकते हैं हर एक टॉक्सिक सिचुएशन से। ओके, तो यहां पर दिख रहा है मुझे कि आप इस अंधेरे में से बाहर आने के लिए डिटरमिंड है, या आपने निश्चय कर रखा है कि आप यहां से बाहर जरूर आएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता कि आप हारने वाले हैं। और क्वीन ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन ने आपको लूज करके गलती की है, ये पर्सन ये जानता है। शायद आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही हो जिसके कारण इन्हें यहां से जाना पड़ा हो। कोई फैमिली मेंबर, कोई और प्रॉब्लम, कोई डिस्टेंस रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपने चूज किया हो या इस पर्सन ने चूज किया उस रिलेशनशिप में से बाहर आना। बट इस पर्सन ने आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं खोई है। ओके, हो सकता है कि आपके और इनके बीच आर्ग्यूमेंट भी हुई हो कि इस रिलेशनशिप में वो थे ही क्यों जब वो इसे एंड तक नहीं ले जा सकते थे, या उन्होंने आपका इतना वक्त क्यों वेस्ट किया, और भी बहुत कुछ हुआ। हो सकता है, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कुछ कड़वी बातें कही हो, पर जब सारा ड्रामा ओवर हो जाएगा या सारा जो ये नेगेटिविटी है ये ओवर हो जाएगी, उसके बाद इस पर्सन को पता है कि वो आपके रिस्पेक्ट करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स के साथ वो ग्रेटफुल हैं कि आपने उन्हें चूज किया या आप उनकी लाइफ में थे। इस पर्सन को पता है कि उन्होंने बहुत सोच समझ कर ही आपके साथ इतना समय स्पेंड किया है। ओके, शायद आप सोच रहे होंगे कि आपसे कोई गलती हो गई है या आप ही कहीं चूक गए। हो सकता है इस पर्सन ने आपको ऐसा फील कराया हो, पर ये सच नहीं है। यू नो, इस सारे कन्वर्सेशन के बाद, इस सारे डिस्कशन के बाद, जब ये पर्सन अकेले बैठकर आराम से सोचेगा, तो वो ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि वो आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये पर्सन अभी भी आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह ही देखता है। ओके, उन्हें पता है कि आप कौन हैं, एंड आपको भी ये पता होना चाहिए। इनफैक्ट कैंसर, ये अच्छी बात है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ नहीं खोई है। आप वापस इस सिचुएशन से लड़ने को तैयार हैं और आप बाहर आ जाएंगे। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स ले सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं।
इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Wands, the Hierophant, Ten of Cups, and King of Swords. So आपके पास यहां Page of Wands का कार्ड है। Cancer, ये person चाहे जिस भी सिचुएशन में आपको छोड़कर गया हो, इस person को पता है कि वो आपकी लॉयल्टी भूल नहीं सकते, वो आपके बारे में कुछ नहीं भूल सकते, वो आपसे कनेक्टेड रहेंगे हमेशा। पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि वो आपको एक ऐसा पर्सन समझते हैं जो जिस पे वो हमेशा ट्रस्ट कर सकते हैं, जो ट्रस्टेबल है, जो एक अच्छे फ्रेंड के तौर पर हमेशा मौजूद रहेगा, और उनकी फीलिंग्स को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, भले ही उनके लाइफ में जितने लोग हों। मगर किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के कारण शायद उन्हें आपसे सेपरेट होना पड़ा है। यहाँ क्वीन ऑफ वांड्स है। क्वीन ऑफ वांड्स के साथ इस पर्सन को आपका कॉन्फिडेंस पसंद है। ओके, ये पर्सन आपके लिए खुश है। इस पर्सन को लगता है कि आप एक चैलेंज हैं। इस पर्सन को चैलेंज पसंद है। आप वो नहीं है जो आसानी से किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ जाए। आप वो नहीं है जो आसानी से हार जाए। और आपके अंदर का कॉन्फिडेंस और आपका लुक्स इनके लिए बहुत चार्मिंग है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन पूरी तरह से आपसे डेडिकेटेड है, पर आपके साथ नहीं है। द हायरोफेंट के कार्ड के साथ आप वाइज हैं, आप समझदार हैं, और आपकी विजडम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकती है। ओके, और जब प्रॉब्लम के सोल्यूशन की मैं बात कर रही हूं तो यहां आप अपने लिए सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टेन ऑफ कप्स के साथ आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो वेट कर रही हैं। शायद आपको राइट डायरेक्शन में देखना चाहिए। आप एडमायर्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, और आपके लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों का क्रश हो सकता है आप पे, और कहीं ना कहीं आपको जरूरत है अब अपने माइंड को ओपन रखने की और नई डायरेक्शन की तरफ देखने की। टेन ऑफ कप्स के साथ आपके लिए हैप्पीनेस है, आपके लिए लव अफेक्शन सब कुछ है, पर आपको थोड़ा इसके लिए इमोशनली रेडी होना पड़ेगा। यहां किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ सिचुएशन यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन बॉडी लैंग्वेज से आपको जाहिर कर रहा है कि वो आप में इंटरेस्टेड है लेकिन बोल नहीं रहा। ये ऐसा है जैसे कि अपना गुस्सा शो करना है लेकिन रीजन नहीं बता रहे कि क्यों गुस्सा है। तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत टफ हो सकती है और इरिटेटिंग हो सकती है। चलिए आपके लिए देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर कैंसर, नो वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। तो आपको भी कहा जा रहा है वेट कीजिए। अगर ये पर्सन आपको अप्रोच भी करता है या कुछ कहता भी है तो भी आपको वेट करना चाहिए। चीजों को पोस्टपोन कीजिए। अभी किसी भी चीज को यस मत कीजिए, कुछ भी नया स्टार्ट मत कीजिए, अपने आप को पहले हील कीजिए। तो ये थी रीडिंग आपके इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।